अपने जीमेल या फिर गूगल अकाउंट का पासवर्ड आप भूल गए हो और उसे आप रिकवर करना चाहते हो, तो ये वीडियो देखने के बाद आप उसे बेहद आसानी से रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, आप मुझसे बात करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं आपके अकाउंट को रिकवर करके दूँ, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से कॉल बिफोर ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें ट्रिकी अजीम आप सर्च करोगे, मेरी आईडी टॉप पर आ जाएगी और इस पर क्लिक करके आप ऑडियो या फिर वीडियो कॉल के थ्रू मुझसे बात कर सकते हो और आपको आपकी आईडी रिकवर करके मैं दूंगा 110%। बट भाई बात करते हैं कि आपको विदाउट किसी के हेल्प के अपने से खुद से अपने अकाउंट को रिकवर करना है, तो इसके लिए आपका जीमेल अकाउंट कहीं भी लॉगिन होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर जीमेल ऐप में मेरा अकाउंट लॉगिन है, तो आपको आइकॉन पे क्लिक करना है ऊपर में जो मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर भाई साहब आप देख सकते हो कि यहाँ मेरा ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रहा है जिसका पासवर्ड मुझे रिकवर करना है, इसका पासवर्ड मुझे याद नहीं है। इसी के नीचे आपको मिलेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपने क्लिक करना है मैनेज योर गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पर। उसके बाद भाई साहब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा होम, प्रोफेशनल, डेटा एंड प्राइवेसी और यहाँ पे चौथे नंबर पर सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलता है, तो आपने सिंपली सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आप नीचे करोगे तो आपको एक पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट चेंज जो पासवर्ड है वो 2 मई 2020 में इसका पासवर्ड चेंज किया गया था। अब भाई बताओ 2020 में 2 मई को मैंने क्या पासवर्ड रखा था, या फिर किसी ने एक साल दो साल पहले क्या पासवर्ड रखा उसे याद भी नहीं होगा। तो भाई अब लास्ट पासवर्ड तो यहाँ पे हम लोग डाल ही नहीं सकते, तो यहाँ पे पासवर्ड रिकवर करने के लिए हमने यहाँ पर पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पे करंट पासवर्ड मांगता है। बट भाई साहब अगर हमें करंट पासवर्ड पता होगा तो हम क्यों रीसेट करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली हमने फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भाई साहब आपसे बोलेगा कन्फर्म करने के लिए, मतलब यहाँ पर देख सकते हो यूज़ योर स्क्रीन लॉक, क्योंकि इसमें मेरा अकाउंट लॉगिन है तो स्क्रीन लॉक वाला जो पैटर्न है या फिर फिंगरप्रिंट है उसे आप अनलॉक करके आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट के थ्रू इसे अनलॉक करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट योर पासवर्ड का ऑप्शन मिल गया है विदाउट आपने करंट पासवर्ड या फिर कोई भी ओल्ड पासवर्ड दिए बगैर अपना पासवर्ड यहाँ पर हमने रीसेट कर लिया। इसके बाद बैक आते हैं, ऊपर में वो आपको साइन इन का दोबारा से ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर साइन इन वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर करंट पासवर्ड देना है, जो पासवर्ड आपने चेंज करके बनाया है ना न्यू पासवर्ड, वो पासवर्ड आपने यहाँ देना। उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करने के बाद आपका यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद बैक आ जाओ और यहाँ पे आप देखो साइन इन वाला ऑप्शन हट गया है, हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया। अब दोबारा से हम लोग यहीं सिक्योरिटी में पासवर्ड वाले ऑप्शन पर देखते हैं टाइमिंग क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3:11, मतलब आज हमने इसका पासवर्ड 3:11 में चेंज किया है, मतलब 2020 में जो पासवर्ड था अब वो अपडेट हो गया है विदाउट ओल्ड पासवर्ड या फिर करंट पासवर्ड डाले बगैर आप यहां से बहुत ही आसानी से पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।